तो आज हम लोग बात करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के उन सवालों की जिस पर बच्चों को दिक्कत होती है। मतलब ऐसे तरीके से, इन तरीकों से समझेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट को कि जब आप एक बार इस चैप्टर को देख लेंगे, इस चीज़ों को समझ लेंगे शॉर्ट ट्रिक के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ, तो जो भी आपकी समस्याएं हैं कंपाउंड इंटरेस्ट को लेकर, चक्रवृद्धि ब्याज को लेकर, चाहे वो सवाल चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज के डिफरेंस पर आधारित हो या किन्हीं और भी चीज़ों पर आधारित हो, तो मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि कंपाउंड इंटरेस्ट जब भी आप शुरू कर रहे हो, आपको दो चीज़ों पर बहुत ज़्यादा फोकस रखना है। सबसे पहला फोकस रखना है ब्याज की दर, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। और रेट ऑफ इंटरेस्ट में भी फोकस रखने का मतलब ये नहीं कि अगर 15% ब्याज की दर है तो मुझे 15 15 15 दिमाग में आना चाहिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट की जो फ्रैक्शनल वैल्यू होती है, जो भिन्नात्मक मान है, आपको वो कुछ याद होने चाहिए, ठीक है, फ्रैक्शनल वैल्यू। तो कुछ ऐसे रेट ऑफ इंटरेस्ट हैं जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट में, चक्रवृद्धि ब्याज में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, जिनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। मैं उनसे आपको रूबरू कराता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का एक शानदार तरीका। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट की जब हम बात करते हैं तो जो कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, स्टैंडर्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिन पर सवाल बहुत बनते हैं, नॉर्मल होगा 50%, आपको पता है 1/2 है। कुछ ऐसी रेट ऑफ इंटरेस्ट होती हैं जिस पर सवाल बनते हैं और उनकी फ्रैक्शनल वैल्यू जो होती है वो करने में समय लगता है। तो ये कुछ फ्रैक्शनल वैल्यूज मैंने लिख दी हैं, भिन्नात्मक मान लिख दिए हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट के, इनको आप अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, घर पर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जैसे 10% की वैल्यू 1/10 होती है, 11 से 1/9 को 1/9 लिखते हैं, 14 से 2/7 1/7 कहलाता है, 20% 1/5 होता है, 22 से 2/9% इसका 2 गुना लिखा है, अब देखिए 2/9 है, 28 से 4/7% 2/7 कहलाता है, ये इसका 2 गुना लिखा है, 9 से 1/11% 1/11 25% 1/4 16 से 2/3% 1/6 33 से 1/3% का मतलब हो जाता है 1/3। और अगर यहीं पे मैं 1/8 का मान आपसे पूछ लूँ तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? अगर मैं यहीं पर 1/8 का मान आपसे पूछ लूँ तो आप कहोगे सर 8 से अगर हम 100 को डिवाइड करेंगे तो 12 बार जाएगा, 12 8 96, और 12 से 1/2% का मतलब हो जाता है 1/8। तो ये कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं जिसमें आप प्रतिशत को फ्रैक्शन वैल्यू में बदलते हैं, ये आपको याद होने चाहिए। इसका फायदा ये होगा कि जब आप कंपाउंड इंटरेस्ट के प्रश्नों को कर रहे होंगे तो ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करेंगी आपका टाइम रिड्यूस करने में। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का सबसे आसान मेथड, इसे कहते हैं रेशियो मेथड। क्या कहते हैं? रेशियो मेथड। देखिए, एक वर्ष का अगर मैं चक्रवृद्धि ब्याज की बात करता हूं तो सबको पता है कि पहले वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है वो साधारण ब्याज के बराबर होता है, सिंपल इंटरेस्ट के बराबर होता है। लेकिन जब मैं 2 वर्ष की बात करूंगा ना, तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 2 और 1 के अनुपात में है। ये सब आपको याद करने की जरूरत नहीं, ये कैसे आया मैं आपको अभी सिखा दूंगा। आप सिर्फ ये याद रखना पहली लाइन कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है उसका अनुपात 2:1 होता है। अब देखिए, 3 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज को कैसे याद रखोगे? जितने वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज का रेशियो पूछ रहा है, जितने भी वर्ष का, शुरुआत उसी से होगी और खत्म वो 1 पर होगा। अगर 3 वर्ष का पूछा है तो 3 से शुरुआत होगी, खत्म 1 पर होगा। 4 वर्ष का पूछा है, 4 से शुरुआत होगी, खत्म 1 वर्ष का होगा। 5 वर्ष का पूछा है, शुरुआत 5 से होगी, खत्म 1 पर होगा। अब सर, ये बीच की संख्याएं कैसे आएंगे समझिएगा। 3 वर्ष के अगर चक्रवृद्धि ब्याज को रेशियो मेथड से आप करोगे तो शुरुआत 300 होगी, खत्म किस पर हुआ? 1 पर। ये बीच वाला 3 कैसे आ गया? तो 2 वर्ष का जो था इन दोनों को जोड़कर बीच में लिख दिया, ठीक। 4 वर्ष की बात करते हैं, शुरुआत 4 से हुई, खत्म 1 पर हुआ, ये बीच की संख्या कहाँ से आ गई? इनको जोड़ा 3 और 3 6 ये लिखा, फिर इसको जोड़ा 3 और 1 4 तो ये लिखा, ठीक। मैं बात करता हूँ 5 वर्ष की, शुरुआत 5 से हुई, खत्म 1 पर हुई, बीच की संख्याएं 6 और 4 10 ये आया, 6 और 4 10 ये आया, 4 और 1 5 ये आया। ऐसे ही अगर कितने भी वर्ष का आपसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछेगा तो आपको रेशियो निकालने में भी समस्याएं नहीं आएंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चंस पर, ठीक है, और देखते हैं कि इन प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे। स्क्रीनशॉट लीजिएगा। पहला प्रश्न समझिएगा ध्यान से, किसी चीज की क्रमबद्ध बढ़त 12.5% 12.5% है तो इसके समतुल्य बट्टा ज्ञात कीजिए। समतुल्य बट्टा, आप कहोगे सर ये प्रॉफिट एंड लॉस डिस्काउंट का सवाल कहाँ से आ गया? सर ये भी सवाल सीआई का ही है। अब 12.5% का मतलब होता है 1/8,
दूसरे बार भी 12.5% का मतलब होता है 1/8, यानी 8 का मूलधन 9 में कन्वर्ट हुआ, दूसरी बार भी 8 का मूलधन 9 में कन्वर्ट हुआ, 1 का इंटरेस्ट आया आया, यानी टोटल आप देखो 64 का आपके पास जो मूलधन है और 81 का आपके पास मिश्र धन है, तो आपको जो इंटरेस्ट मिला वो कितना मिला, बोले सर 17 मिला है। कितने पर मिला, बोले सर 64 पर मिला है। हमें बराबर की बढ़त बतानी है यानी कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है, गुणे 100, तो ये आपके पास आ गया 1700/64। 1700/64 को अगर हम देखेंगे तो हम लोग लगभग लगभग 6 × 12 लगभग दो है, ठीक है 64, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 6 × 12 और 6 × 24 लगभग 26.56 के आसपास आ जाएंगे, यानी कि 26 वाला समथिंग आंसर आ जाएगा। ठीक, सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं, फिर से सुनिएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट के सवालों में सबसे ज्यादा फोकस होना होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट के फ्रैक्शन वैल्यू पर, उसके भिन्नात्मक मान पर। इस चीज पर अगर आप फोकस होकर चलेंगे तो ये सवाल आपके लिए बिल्कुल भी कठिन नहीं रहेंगे, ध्यान से सुनिएगा और मेरे साथ सीखिएगा। समय 2 वर्ष का दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12.5% दिया है, अब की बार कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है, आपसे मूलधन पूछ रहा है। अब ध्यान से सुनिएगा, 12.5% का मतलब होता है 1/8, 2 वर्ष के समय के लिए 1/8 का हिसाब लेकर चलना और कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है। अब आप इसको दोनों तरीकों से कर सकते हो, कैसे जरा ध्यान से समझ लो। आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गई 8, 1/8। अब आप देखो इसमें नीचे जो भिन्न लिखी है, भिन्न का जो हर है वो कितना है, बोले सर 8 दिख रहा है। मूलधन कैसे मानना है इसको आप समझिएगा, मूलधन मानने का तरीका भी आप यहां पे समझो। भिन्न का हर जो है वो 8 है, समय कितना है 2, तो इसका स्क्वायर करो और उसको मूलधन मान लो। अगर यहां समय 3 होता तो इसका क्यूब करते मूलधन मान लेते। सर ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा इसलिए करते हैं कि सवाल करते समय कैलकुलेशन इजी हो जाए और दशमलव के सामना ना करना पड़े, ठीक है। तो हमने देखा 1/8 में 8 था, 2 किया तो हमने मूलधन मान लिया, मेरे पास क्या है। अब आप समझना भाई ध्यान से, मैंने अभी बोला है कि जब भी 2 वर्ष का समय दिया है तो उसके लिए अगर हम CI निकालेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे, तो उसका जो रेशियो होता है वो कितना होता है, 2:1, 2 वर्ष का। अब देखिएगा वापस से, मैं ये कह रहा हूं कि इस 64 का 1/8 हिस्सा यानी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना होगा, 64 का 1/8 8 होगा, और फिर इस 8 का 1/8 कितना होगा, तो 1 ही होगा। यानी कि अब देखिए आप टोटल आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ रहा है, 8 × 16 और 1 × 1, यानी 16 × 1 = 17 आपका कंपाउंड इंटरेस्ट बना। सवाल के हिसाब से कितना है सर, 6.80, 1.40 आपका वैल्यू आ गई 1 की। अब आपसे पूछ रहा था मूलधन क्या होगा, तो 64 मूलधन था, 64 × 0.4, यानी कि आप देखिए तो 4 × 16 = 6, 1 × 4 = 24 और 1 = 25, यानी कि आपका जो मूलधन होगा वो 25.6 होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्लियर, थर्ड क्वेश्चन, रेट ऑफ इंटरेस्ट 16 × 2/3 है, समय 2 साल का है, कुल धनराशि अब की बार आपको दी है 1470, मूलधन पूछ रहा है। 16 × 2/3% मतलब 1/6, करेक्ट, समय 2 साल, धनराशि इतनी। मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर ये 6 दिया है, समय 2 साल का है, तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा 36 अपना मूलधन हो गया, बोले हाँ सर मूलधन तो 36 हो गया, बोले ठीक है। अब 36 और 2 समय अगर 2 साल का है तो कंपाउंड इंटरेस्ट का रेशियो क्या बना, बोले सर 2:1, समझना ध्यान से, 36 का 1/6 6 होगा और 6 का 1/6 1 होगा, यानी अगर आप देखो तो आपको ये पता चलेगा कि 6 × 12 और 1 × 1, यानी कि टोटल हमें कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 13, टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिला है 13। ये बात आप ओरल भी कर सकते थे, ठीक, गुणा करना होता है। मूलधन क्या रहा है 36, इंटरेस्ट कितना मिला 13, तो मिश्र धन कितना हो गया 36 + 13 = 39। इसको एक और तरीके से कर सकते हो, सिखाने का प्रयास करूंगा, पहले ध्यान दो, 39 की वैल्यू कितनी है ना, 36 × 13 = 49 हो जाएगा, 49, और 49 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 1470, 49 × 3 = 147 कटेगा, 1 की वैल्यू आ जाएगी 30। अब आपसे पूछ रहा था भाई मूलधन क्या है, तो 36 × 30 जैसे ही आप करेंगे, 36 × 3 करने पर 108 आता है, 10 पहले से लगा था, तो आपका उत्तर हो जाएगा 1080। क्लियर, अच्छा आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, गौर से समझना, यहाँ पे भी लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट फोकस में रहेगी, 1/6, यानी कि 6 की चीज अगर जो है मूलधन 6 है तो इसका कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड अमाउंट यानी मिश्रधन क्या बनेगा, 7, 1 साल में, 2 साल में क्या होगा फिर 6 से 7, तो टोटल देखिए टोटल जो मूलधन है वो 36 है, टोटल मिश्रधन 49 है,
आपको देखो इसी का मान आपको पास 1470 दिया था, यानी कि 30 इसका मल्टीप्लायर होगा, होगा 49 में 30 का गुणा करेंगे 147 आएगा। तो इसका भी मल्टीप्लायर अगर 30 होगा तो इसका जो मूलधन बनेगा वो कितना बन जाएगा, 1080। बोलो क्लियर है क्या, कितना बन जाएगा 1080। क्लियर है इतनी बात? बोले यस सर, कोई दिक्कत होगी नहीं। चाहे आप इसको ऐसे करिए रेशियो वाले मेथड से, चाहे आप इसको ऐसे करिए इस मेथड से, दोनों ही कारगर होंगे। ठीक है, अगला सवाल। कुल धन राशि पूछ रहा है, मूलधन भी पूछ रहा है, दोनों बातें पूछ रहा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, समय दिया है, दूसरे साल का सीआई दिया है। अब समझना, यहां पर दूसरे साल का सीआई दिया है, ये चीज समझने वाली है। देखो ब्याज की दर 11 से 1/9% है, इसका भिन्न में मान होगा 1/9। बोलो ठीक है। हाँ सर ठीक है। समय कितना दिया है, 2 साल, तो 9 का स्क्वायर किया हमने, मूलधन देख लिया कि अपने पास मूलधन जो होगा वो 81 हो जाएगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा, 81 का 1/9 9 ही होगा। रेशियो अगर हम लेते हैं तो 2 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट का जो रेशियो आएगा वो 2:1 का आएगा। 81 का 1/9 9 होगा और 9 का 1/9 1 होगा। 9 × 2 = 18 और एक 19 रुपये कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। 19 रुपये कंपाउंड इंटरेस्ट आया 19 रेशियो में। अब आगे कह रहा है सेकेंड ईयर का जो सीआई है ना वो कितना है, 70 रुपये। इस चीज को समझना है। अब सर यहाँ पर हम सेकेंड ईयर का सीआई क्या देखेंगे, सर हमें ये दिख रहा है कि पहले साल जो हमको सीआई मिला है वो कितना मिला है, 9, और सर दूसरे साल सीआई कितना मिला है, 1। तो आप ये कह सकते हो क्या कि 1 का मान 70 है, कह सकते हो? अब जरा क्यों कह सकते हो, कैसे होगा, इस चीज को भी थोड़ा समझने का प्रयास करना। पहले मैं आपको इसको उस वाले तरीके से बताने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से समझना ताकि आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बन जाए और आप इस तरीके से सवाल को देखते कर पाओ। 1/9 यानी कि 9 की चीज 10 की पहले साल में, दूसरे साल में भी 9 की चीज 10 की, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है। तो अब देखो 9 × 9 = 81, 9 × 2 = 90 और यहां पर 10 × 10 = 100। आप ऐसे समझना, यानी कि मूलधन 81 का अनुपात, जो 81 था वो एक साल बाद 90 हो गया और जो 90 था वो एक साल बाद 100 हो गया। ये बात समझ में आई? बोले हाँ सर। अब मैं क्या बोल रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं गौर से समझना कि दूसरे साल का अगर मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट देखना हो तो दूसरे साल में कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है, कि अगर चीज 90 से 100 हुई है तो बोले सर 10, और इसी 10 का मान आपके पास 70 दिया है तो 1 का मान कितना है, बोले सर 1 का मान तो 7 आ जाएगा। अगर उस 10 का मान इतना है तो 1 का मान 7 आया, बोले सर आ गया। अब देखो अगर 1 का मान 7 आ गया तो आपसे कुल धनराशि और मूलधन दोनों पूछ रहा था। मूलधन क्या आएगा सर, 81 × 7, 7 × 1 = 7, 7 × 8 = 56, 567 मूलधन। किसमें लिखा है 567 मूलधन, सर इसी में लिखा है, ना इसमें लिखा था, ना इसमें लिखा था, ना इसमें लिखा था, मुझे इसमें दिख रहा है। अगर पूछ लेता जैसे कुल धनराशि भी पूछा था, तो 1 का मान 7 है तो कुल धनराशि यानी अमाउंट कितना बना सर, 100 बना, तो 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 100 × 7 = 700। बोलो ठीक है क्या? अब यहां पर आपको तकलीफ क्या होगी इसको भी समझने का प्रयास करना जब आप इस तरीके से कर रहे होंगे। तकलीफ वैसे तो कुछ नहीं होगी, लेकिन समझने वाली बात है कि हो सकती है नहीं हो सकती। अब देखो आपने ये देखा कि रेशियो पहले साल और दूसरे साल की, 2 साल की जब बात की गई है तो 2 और 1 है। अगर यही 3 साल के लिए बात होता तो 3 3 1 होता, चौथे साल की बात होती 4 6 4 1 होता। रेशियो भी लिख रहा हूं, आप ये देखो हर बार अंतिम वर्ष में रेशियो हमें कितना मिल रहा है, 1। 2 वर्ष है तो दूसरे वर्ष में रेशियो 1 मिल रहा है, 3 वर्ष है तो तीसरे वर्ष का रेशियो 1 मिल रहा है, 4 वर्ष है तो चौथे वर्ष का रेशियो 1 मिल रहा है। तो ऐसे जब आप इस सवाल को कर रहे होगे ना, तो हो सकता है कहीं ना कहीं आपको थोड़ी सी तकलीफ हो जाए। तो कब आपको इस तरीके को इस्तेमाल करना है, कब आपको ये रेशियो वाला मेथड इस्तेमाल करना है, ये भी चीजें आप सीखते चलो। दोनों ही फायदेमंद है ऐसा नहीं है, लेकिन सीखने में दोनों में कोई बुराई नहीं है। देखो रेशियो वाला मेथड आप खास तौर पर वहां पर यूज करिएगा, ये रेशियो के मेथड को आप खास तौर पर उस जगह यूज कर लीजिएगा जब आपको सीआई एसआई के डिफरेंस पर सवाल पूछे। करने को तो आप इसमें भी कर सकते हो, किसी में भी कर सकते हो, लेकिन अगर सीआई एसआई के डिफरेंस पर सवाल पूछेगा तब आप रेशियो वाले मेथड को इस्तेमाल करो। अदरवाइज इन सब चीजों से काम बनता दिखे तो आप इसको कर सकते हो। ठीक, आगे बढ़े। चलिए देखिए, नाम लिया और सवाल हाजिर। मूलधन पूछ रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, समय दिया है और सीआईएसआई का अंतर दिया है, सीआई पूछ रहा है। बहुत ध्यान से समझिएगा,
रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है 15%, 15% की वैल्यू होती है 3/20, कितनी होती है 3/20, समझने की कोशिश करिएगा। नीचे क्या लिखा है 20, समय कितना था 2 साल, तो 20 का स्क्वायर कर लेते हैं, मैंने मूलधन मान लिया 400। अब 2 साल देखो, सीआई और एसआई का डिफरेंस भी दिया है, तो मैंने आप बोला था अभी कि जब सीआई एसआई का डिफरेंस दिया हो तो रेशियो मेथड का इस्तेमाल कर लो। कौन से मेथड का? रेशियो मेथड का इस्तेमाल कर लो। इससे बेस्ट तरीका रेशियो मेथड से सीआई एसआई के क्वेश्चन का डिफरेंस वाले में हो ही नहीं सकता है। कैसे, जरा समझना। 2 साल के लिए सीआई जो निकलता है उसका रेशियो क्या होता है? 2:1। मैं आपसे कह रहा हूं कि 400 जो आपने मूलधन माना है, इसका अगर मैं 3/20 निकालूंगा तो क्या होगा? तो आप कहोगे सर 60, यानी पहले साल आपको जो ब्याज मिला वो 60 मिला। मैं आपको दोनों तरीकों से समझाऊंगा, ठीक है, बहुत ध्यान से समझने का प्रयास जरूर करना। 3/60, 3/20 निकाला, 60 आया। अब इस 60 का मैं फिर से अगर 3/20 निकालूंगा तो 9 आएगा। बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करो। मैंने आपको बोला पहले साल सीआई और एसआई बराबर होता है, तो ये जो हिस्सा पहले वाला का लिखा होता है ना, ये जो हिस्सा लिखा होता है ये साधारण ब्याज होता है। ये हिस्सा जो लिखा होता है, जो पहला रेशियो होता है, सबसे पहला रेशियो, ये होता है साधारण ब्याज। और जो दूसरा भाग लिखा होता है यही ना, यही अंतर कहलाता है। ये क्या कहलाता है? अंतर। तो आप देखिए, अगर मैं अंतर की बात करूं तो अंतर क्या मिलेगा? 9:1 अंतर मिलेगा। सवाल के हिसाब से अंतर कितना है? 2.70। मेरी एक बार फिर से आपको समझाऊंगा, कोशिश करना। 1 का मान क्या आ जाएगा? 0.30। आपसे पूछ रहा था मूलधन क्या होगा। सबसे पहले मूलधन निकाल लो, 400 × 0.30। देखो 2 साल के लिए तो फॉर्मूला होता है, बच्चा अप्लाई कर लेता है, लेकिन 3 साल में फिर उसको समस्याएं होती हैं। जैसे मैं अगर इसमें फॉर्मूला अप्लाई करूंगा तो मेरे पास 120 रुपए आ जाएगा, यानी पता चल गया कि मूलधन 120 है। तो अब ये ऑप्शन खत्म हो गया अपने पास से, और ये खत्म हो गया। लेकिन सर दोनों में 120 लिखा है मूलधन, इन दोनों में कुछ भी हो सकता है। अब सीआई भी पूछा, देखो सीआई की बात करते हैं। सीआई देखिए टोटल कितना बन रहा है, देखना ये है, ये अंतर नहीं देखना, टोटल सीआई देखिए कितना बन रहा है। 60 × 120 और 9:1 टोटल सीआई किस रेशियो में बन रहा था? 129। 1 का मान कितना है? 0.30। तो 129 × 0.30 अगर हम करेंगे तो अपने पास क्या आएगा? 3×9=27, 7, 2×3=6, 2×8=3, 1×3=3, 2×38.70। किस में दिया है? इसमें दिया है, यानी कि ये सवाल ये गलत हो गया। मेरी बात को समझ में आए? तो रेशियो मेथड किसके लिए बेस्ट होता है? किसके लिए बेस्ट होता है? जब सीआई एसआई का डिफरेंस दिया है। मान लीजिए यहाँ पर ये समय 2 साल का ना दिया होता, 5 साल का दे दिया होता, 3 साल का दे दिया होता। मैं आपको यही समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक, समझना बहुत ध्यान से, चीजों को देखते हुए चलते। चलिए एक और शानदार क्वेश्चन आ गया। सीआई एसआई का डिफरेंस भी दिया है, लेकिन इस बार सवाल में थोड़ा सा चेंज आया। क्या चेंज आया? अब की बार रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले साल के लिए और दूसरे साल के लिए अलग अलग दी है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों के लिए सेम है तो आप रेशियो लगाओ, लेकिन अगर दोनों वर्ष या तीनों वर्ष के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम नहीं है तो क्या करना है, इसका भी गौर करिएगा, ठीक। देखो 14 × 2/7% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, पहले ही पेज में लिखा था, फ्रैक्शन वैल्यू याद रखो 1/7, और इसका 1/9, करेक्ट है? बोले हाँ सर। अब देखिए अगर मैं पहले साल की बात करता हूं तो पहले साल में रेट ऑफ इंटरेस्ट 1/7 है। मैं मूलधन ऐसा क्या मानूं कि अपना काम हो जाए? सर इसमें नीचे 7 लिखा है, इसमें नीचे 9 लिखा है, 9×7=63। मैंने मूलधन मान लिया P=63। अब आप अगर डायरेक्ट देखोगे तो मूलधन आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि जो मूलधन 7 और 9 दोनों से कटे वो आंसर है, 7 और 9 दोनों से कटे वो आंसर, 5×2=7, 2×9 3×2=5, 5×5=10, ये आंसर हो जाएगा। 7 से भी कटेगा, आप देखो 7×21=4 बचेगा, 7×6=42, ऐसे भी कर सकते हो, चीजें हैं, ठीक। लेकिन फिलहाल आप देखो पूरा, मैंने मूलधन कितना मान लिया 63। अब मैं आपको बोलता हूं कि पहले साल जो ब्याज की दर है 1/7 है, तो इसका 1/7 कितना आएगा? बोले सर 9 आ जाएगा। सेकेंड ईयर में आइए, दूसरे साल में, दूसरे साल में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? 1/9, तो इसका 1/9 कितना आएगा? 7 आएगा। लेकिन अब क्या होगा, यहां पर इस 7 पर इस धनराशि का भी, तो भाई चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? ब्याज पर ब्याज,
तो इसका भी तो हमें ब्याज मिलेगा, और इसका ब्याज कितना होगा, 1/9। तो 9 का 1/9 यानी 1 और मिल जाएगा। जैसे मैं आपसे कहता हूं कि अगर मैं आपसे बोला कि 1,000 रुपये आपके पास मूलधन है और 10% के हिसाब से आपको 2 वर्षों का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो पहले साल कितना ब्याज मिला, 100। दूसरे साल कितना ब्याज मिलेगा, 100। फिर क्या होगा, 100 का भी तो 10% मिलेगा, तो वो इस 100 का 10% नहीं आता है, वो इस वाले 100 का जो पहले साल मिल चुका इसका 10% होगा तो 10 आएगा। मेरी बात समझे भाई, यही काम यहाँ पे भी है। एक और मिल गया, यानी कि अब अगर आप देखो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट 9, 7, 16 और 1 17 बन रहा है, ये टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट बन रहा है। और आप बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका साधारण ब्याज क्या होगा, तो आप कहोगे सर फर्स्ट ईयर में जो ब्याज मिलता है वही साधारण ब्याज मिलता है। तो यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछ लूँ बहुत छोटी सी बात कि इसका साधारण ब्याज क्या होगा, साधारण ब्याज मुझे बता दो, तो क्या होगा साधारण ब्याज बताइए फटाक से। फिर उसके बाद आपको देखना है कि आंसर क्या बनेगा जो पूछा गया है, मूलधन। तो आप कहोगे सर साधारण ब्याज जो होगा, जो साधारण उस पर धनराशि मिलेगी वही मिलेगा, देख पा रहा हूँ। तो 9 और 7 16, तो अंतर कितना बचा, सीआई और एसआई का 1, और 1 का मान आपके पास कितना दिया है, 40। अगर 1 का मान 40 दिया तो आपसे कह रहा था मूलधन, मूलधन कितना है, 63। 63 में अगर हम 40 का गुणा करेंगे, देखिएगा 63 में अगर मैं 40 का गुणा करूंगा, 4 3 12 2 4 6 24 और 1 25, आपका उत्तर क्या आ जाएगा, 2520। क्लियर है, ये तरीका आपको समझना होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में 3 तरीके जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा काम करते हैं, पहला रेशियो मेथड, दूसरा ट्री मेथड जिसको आप अभी देख पा रहे हो। ये खास तौर पर तब काम करता है जब रेट ऑफ इंटरेस्ट हर वर्ष के लिए अलग अलग होती है, ठीक। और इसी तरीके बहुत सारे चीज़ें इसमें काम करती हैं। चलिए आगे सवाल को देखते हैं, देखो ध्यान से, ऐसे सवाल भी आपने देखे होंगे कि ये सवाल भी बच्चों को बड़ी तकलीफ दे देते हैं जिसमें वर्ष के साथ साथ दिन दिए होते हैं। समझने का कोशिश करना, मूलधन दिया है 18,000, ब्याज की दर दी है 16 सही 2/3, समय दिया है 1 साल 73 दिन। अब बोले सर 1 साल 73 दिन ये तो फिर कठिन हो जाएगा, कोई कठिन नहीं होगा, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपको चीजें एकदम स्पष्ट हो जाएंगे। मैं क्या बोल रहा हूँ, 16 सही 2/3% मतलब 1/6 हो गई ब्याज की दर। बोले हाँ सर हो गई, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मैंने कहा वेरी गुड, इसमें दिक्कत नहीं तो सवाल भी आप समाप्त समझ लो। अब मैं बोल रहा हूँ कि ये जो समय आपको दिया है ना, ये पूरा समय 1 साल 73 दिन का, इसे आप पूरा पूरा 2 साल मान लो, थोड़ी देर के लिए आपने मान लिया पूरा पूरा 2 साल। अब अगर ये समय 2 साल है तो 6 का स्क्वायर करके मूलधन लिख लेंगे, मूलधन लिखा 6 का स्क्वायर करके 36, पहले साल का ब्याज कितना होगा 6, दूसरे साल के लिए ब्याज करेंगे तो रेशियो तो ये मिलेगा ना, 2 और 1, ऐसे समझो आप 6 मिला, दूसरे साल 6 मिलेगा, फिर 6 का 1/6 यानी 1 और मिल जाएगा, यस और नो, बोले हाँ सर। तो आप देखो पहले साल आपका ब्याज कितना है 6, दूसरे साल आपका ब्याज कितना है 7। सवाल के हिसाब से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो क्या चीजें हमको मिलती हैं, इस चीज को देखना है। पहले साल में आपका टोटल ब्याज कितना मिल रहा है, 6, और दूसरे साल में कितना मिल रहा है, 7, यानी कि ये जो 7 है ना, ये 365 दिन का ब्याज है दूसरे साल का, मतलब 365 दिन का ब्याज है। अच्छा, जब दूसरा साल शुरू हुआ था तो उसमें मुझे 365 दिन का ब्याज नहीं चाहिए था, उसमें मुझे सिर्फ कितने दिन का ब्याज चाहिए, बोले सर सिर्फ 73 डेज का ब्याज चाहिए, मुझे पूरे दिन का ब्याज चाहिए ही नहीं। तो अगर मैं यहाँ से 73 डेज का ब्याज निकालूंगा, इसका ब्याज क्या होगा, तो आप कहोगे सर 1/5 हिस्सा हो जा रहा, तो 7/5 कर लेंगे, कितना मिलेगा, 7/5 करने पर 5 एकम 5 2 बचेगा, 5 चौक 20, 1.4। तो पहले साल 6, दूसरे साल 1.4। अब मेरी बात समझ पाए हो, पहले साल 6, दूसरे साल 1.4, यानी कि अगर आप देखो तो टोटल 7.4, हमें इसी की वैल्यू निकालनी है। अच्छा, अब आप समझो टोटल मूलधन आपके पास दिया हुआ था 36, इस सवाल के हिसाब से 18, 36 से 18 यानी कि 36 × 5 = 180, तो आप देखोगे 1 की वैल्यू 500 आ जाएगी, बोले सर 500 तो बिल्कुल आ जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं। अब सर सवाल का उत्तर क्या आ जाएगा, 500 × 7.4, 500 × 7.4, देखिए दशमलव हटा के एक जीरो खत्म कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं जीरो, 5 × 20 = 2, 5 × 7 = 35 और 2 = 37,
कितना ब्याज मिलेगा? बोले सर 3700 रुपये। सवाल खत्म हो गया। और ये बहुत प्यारे सवाल होते हैं, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। मूलधन पूछ रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, समय दिया है 1 साल 6 महीने, सीआई दिया है टोटल 9.45। अब आपको फिर वही काम करना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या हो गया? 1 साल 6 महीने जो है ना, इसको आप पूरा पूरा 2 साल मान लो, समय पूरा 2 साल हो गया। 15% ब्याज की दर का मतलब हो गया 3/20। 20 का स्क्वायर कर लें, क्यों? क्योंकि हम पूरा समय कितना मान ले रहे हैं, 2 साल। 20 का स्क्वायर किया तो हमने पास मूलधन आ गया 400। 3/20। अब अगर मैं 3/20 निकालता हूँ इसका पहला, तो अपने पास इसका 3/20 यानी 15% 60 आएगा, दूसरे साल 60 आएगा, प्लस 60 का भी 15% यानी 9 आ जाएगा। तो आप देखिए कि दूसरे साल में आपको टोटल 69 मिल रहा है, पहले साल में आपको टोटल 60 मिला था। ये तो अपने पास पक्का रहेगा, लेकिन यहाँ पर ये जो 69 रुपये ब्याज मिल रहा है, 69 के रेशियो में जो ब्याज मिल रहा है, ये पूरे 365 दिन का है, यानी कि पूरे पूरे 1 साल का है। और मुझे ब्याज चाहिए 6 महीने का, 6 महीने का मतलब इसका आधा, तो 69 का हम आधा कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 2 3 6 2 4 8 34.5। तो पहले साल का ब्याज 60, दूसरे साल का 34.5, ये हो गया 94.5। और सवाल के हिसाब से कितना है सी आई, 2 साल का, 1 वर्ष 6 महीने का 9.45। यही तो था? बोले हाँ सर यही था। मैंने क्या किया, 0.10 यहाँ बढ़ा लिया, 0.120 यहाँ बढ़ा लिया। 0 से 0 का काम खत्म कर देते हैं, 945 और 945 भी काट लेते हैं, तो 1 का मान आ गया 1/10। अब आपसे कह रहा था, क्या पूछा है, मूलधन, मूलधन निकालना है, बहुत ध्यान से सुना। अगर मूलधन निकालना और 1 का मान 1/10 है, मूलधन आपका क्या था, 400, तो 400 × 1/10 यानी मूलधन कितना आ जाएगा, 40। क्लियर है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखिए। मूलधन पूछ रहा है, समय दिया है 3 साल, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 10%, सीआई दिया है, आपसे कह रहा है मूलधन। कुछ चीज़ें आपको ऐसा है ना कि याद भी रखोगे तो बहुत अच्छा फायदा रहेगा। जैसे अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% दी है, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती है, और अगर समय 3 साल का दिया है तो आपको पता होना चाहिए कि 10% की दर से 3 साल में जो टोटल सीआई मिलता है वो 33.1% मिलता है। ये कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट होते हैं ना, जब आप इसको गौर से पढ़ते हैं ना चैप्टर, तो ये सारी चीज़ें उसमें सिखाई जाती हैं। मैं तो सिखाता हूँ, बाकी सबका नहीं पता है, मैं सिखाता हूँ फिलहाल 33.1%। अब सीधे सीधे मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास 3 साल का जो ब्याज है ना कंपाउंड इंटरेस्ट, वो 33.1% है, और रुपए में कितना है, 6620। तो मैं क्यों और ज़्यादा मेहनत करूँगा, 0.20 बढ़ाता हूँ, 2 बार कट गया, 1% की वैल्यू आ गई अपने पास 200। आपसे पूछ रहा था मूलधन क्या होगा, 100% आपको निकालना है, 20 आगे और चपका लीजिए, तो 20 चपकाने पर ही हो जाएगा 20,000। सवाल खत्म हो गया। आइए अगला सवाल देखिए। हाँ, जब समय 3 साल का हो और सीआईएसआई का डिफरेंस दिया हो, तब बच्चों में अक्सर दिक्कतें पैदा होती हैं, ऐसा मैंने सुना है। तो आपको ऐसी दिक्कत नहीं होगी, आप मेरी बात को ध्यान से समझो। रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% मतलब 3/20, नीचे क्या लिखा है, 20, समय कितना है 3 साल, 20 का क्यूब 8000 आपका मूलधन मान लिया गया, 3 साल का सम वो है, तो रेशियो क्या होता है 3 साल के लिए सीआईएसआई के डिफरेंस में अगर मैं बात करता हूँ, तो ये होता है 3:3:1 का, कितना होता है 3:3:1। अब मैं अगर आपसे बोलूं 8000 का 3/20, तो आप क्या कहोगे, ये मतलब 15% भी कह सकते हो, तो आप कहोगे सर 1200, तो मैंने यहाँ लिख दिया 1200। फिर मैं आपसे कह रहा हूँ 1200 का 15%, तो आप कहोगे सर 1200 का 15% 180 हो जाएगा। फिर मैं आपसे बोल रहा हूँ 180 का फिर से 15%, तो आप कहोगे 180 का 15% 27 हो गया। अभी मैंने आपको बोला है कि जो पहला पार्ट लिखा होता है ये होता है साधारण ब्याज, बाकी जो लिखा होता है यही अंतर कहलाता है। अब अंतर ही तो देखना है आपको, जो उसमें 1701 दिया, तो मुझे अंतर देखना है यहाँ पर, 180 × 3 = 540, 27 × 1 = 67, यानी मेरे हिसाब से अंतर पड़ रहा है 567 का अंतर पड़ रहा है, और सवाल के हिसाब से ये अंतर कितना है, बोले सर सवाल के हिसाब से 1701 रुपये है। तो मैंने कहा बहुत बढ़िया, ध्याको ध्यान से 3 बार कट रहा है, तो 1 की वैल्यू क्या आ गई, 3 रुपये आ गई। आपसे क्या पूछा था दोस्त, मूलधन, मूलधन आपने क्या रखा है, बोले सर 8000 रखा है, 8000 × 3, तो मूलधन आपके पास 24000 आ गया, और ऑप्शन नंबर आपका बी उत्तर हो गया। कोई फॉर्मूला इसमें याद करने की जरूरत नहीं है, आप अगर रेशियो को सीख पाते हो।
दो साल के लिए, देखो 3 साल में फॉर्मूला याद करना थोड़ा सा टफ वैल्यू है, तो मैं कहता ही नहीं हूं कि आप फॉर्मूला याद करो, ठीक है। चलिए एक सवाल नंबर 11, जैसे आपको मैंने पिछली क्लास अलजेब्रा वाली क्लास में 3 क्वेश्चन होमवर्क से करने के लिए दिए थे, तो उसमें कुछ बच्चों ने आंसर किए हैं, कुछ ने नहीं किए हैं, कुछ ने क्या काफ़ी ने नहीं किए हैं, कुछ ही बच्चों ने उसमें आखिरी के 3 प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। तो इसमें यह पहला प्रश्न है जो आपको उत्तर करना है, बहुत ध्यान से देखिएगा। इसमें पहले, दूसरे और तीसरे साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग है। इससे पहले मैं भी एक सवाल इसी क्लास में करा चुका हूँ जिसमें 2 साल का समय था, रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों के लिए अलग अलग थी, ठीक। उसके बाद ये सवाल है आपको 12 नंबर, इसको आपको करना है। 2 साल 73 दिन का आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। अभी मैंने आपको 1 साल 73 दिन का निकालना आपको बताया था कि कैसे निकाला जाएगा। इसमें 2 साल 73 दिन का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दी हुई है 1/6, जिसको 16 से 2/3 कहते हो। और ये लास्ट सवाल, ये 3 सवाल यहाँ पे भी आपको करने होंगे, तीसरा सवाल, ठीक। ये तीनों सवाल आपके लिए होमवर्क है। होमवर्क में आपको कितने क्वेश्चन मिले? 3 क्वेश्चन। और मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ ना कि इस प्रकार की क्लासेस को आपका प्यार निरंतर मिलेगा और ज़्यादा बढ़ता जाएगा प्रतिदिन, क्योंकि मैं, मुझे लगता है कि मैं इसमें आपको बहुत कुछ सिखा रहा हूँ, बहुत ऐसी ऐसी चीज़ें जो कि रेलवे के एग्जाम में बार बार आती हैं। और क्योंकि मैं देख पाता हूँ कि पढ़ाई में कुछ बच्चों का तो खुद से इंटरेस्ट नहीं आता, और कुछ टीचर भी जो ऐसे हैं ना जो सब चीज़ों से बचते हैं खुद से, कि मैं ये नहीं बताऊँगा कहीं मैं खुद ना भूल जाऊँ, ऐसा होता है। तो ये तीनों सवाल आपको होमवर्क में करने हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगली क्लास में मिलते हैं। बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।